सुबह के बज चुके हैं 9 और दिखाई दे रहा है ऐसा, ये कोहरा है बहुत और ये ट्राली एक ही दिखाई पड़ रही है हमें अभी तो, यही दिखाते हैं भैया। आलू तो बढ़िया है, ये किसका आलू, कौन किसान है भैया इसका? आप क्या ऐसा बिका भैया? 751 रुपया बिका, 751 रुपया कुंटल ना? हाँ। अच्छा, खुला में कुंटल बिक रहा है। कौन सा आलू है ये? ख्याति। ख्याति है, ख्याति। अच्छा ये बता, 709 रुपए में मतलब लागत सीधी हो जा रही है क्या इस टाइम पे? लागत तो नहीं सीधी, 751 ना, 751। हाँ, लागत बराबर हो रही है, बराबर हो रही है। सात सौ आपका बढ़िया आलू है ये, 751 में बिका इसलिए लागत बराबर हो जाएगी। आलू तो 600 रुपए मतलब कल तो 600 रुपए बिक रहे थे, हो सकता है आज पता नहीं क्या रेट हो, मालूम नहीं अभी तो, बाकी मंडी में गए नहीं है हम। और 600 वाले में तो लोग बता रहे लागत सीधी नहीं होगी, नहीं होगी। कितने रुपए की लागत आ रही है इस टाइम पे? लागत 12,000 रुपया ज्यादा होगी, 10,000 रुपए का तो आलू ही पड़ा है उसमें। आलू तो घर का, अरे घर का, लेकिन जिसने खरीद आलू के बीज की कीमत तो जोड़ी जाएगी ना, 10,000 रुपए का तो लोग बता रहे 15,000 रुपए की, मतलब 14-15,000 रुपए की लागत है। अच्छा अच्छा, ये देखो ख्याति है भैया और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का आलू है, 751 रुपया कुंतल बिका है, एकदम मोटा आलू, छटा हुआ है क्या? अच्छा, गुल्ली निकाल दी, गुल्ली निकाल दी, तो गुल्ली का क्या करेंगे अभी? गुल्ली इकट्ठा करके कोल्ड में रख देंगे, तो अभी रख जाएगी ये गुल्ली? अभी तो कोल्ड का बोल्ड होगा ना, ना ना, वो तो कोल्ड जब खुलेंगे तभी रखेगी। हाँ। लेकिन अभी जैसे इस खाल इसकी आलू की मतलब छिलका टूट रहा है, ये छिलका टूटने नहीं देंगे, आराम से इकट्ठा कर, मतलब उसको आपने ढेर लगा दिया होगा और इधर झांप देंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब अभी क्या स्टोर के लिए रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, मतलब 160-170 रुपया। हाईलैंड बहुत पूछते हैं लोग भैया, आज मिल गया हाईलैंड, मिल गया भैया। हाँ, लाल आलू के लोग मतलब अपनी यहाँ मंडी में लाल आता नहीं ना ज्यादा, और लाल ही लोग पूछते रहते लाल क्या भाव है। आरती, क्या नाम है भैया तुम्हारा? दीपू राजपूत। दीपू राजपूत, आलू आरती है ये, क्या हिसाब बिका है आज? 781 रुपये 781 रुपये आईलैंड बिका है, 781 रुपये कुंतल। लाल में कुछ करंट आ गया है आज? करंट नहीं है, बिक जाता है। अरे अभी तो नहीं बिक रहा था ना, हैं? करंट भी थोड़ो लाल। सेतिया जी, मुझे तो लग रहा है ऐसा कि लाल में करंट है कुछ। लाल में करंट 100 रुपये का, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले लाल जो है सबसे बाद में बिके हैं आलू, लाल सबसे बाद में बिके हैं, और आज जो है लाल की बिक्री सबसे पहले हो चुकी है, लाल की बिक्री हो चुकी है। और 781 में अभी तक बिके भी नहीं थे 3-4 दिन में, मतलब वही 600 रुपए में अच्छे आलू, 525 रुपए में एक दिन आया था हाईलैंड बहुत, इतना एक नंबर का आलू था, 525 रुपए पैकेट बिका था आपके सामने, सही बात। किसान कौन है इसका भैया? आपका है भैया, यही रहो यही रहो। क्या रेट बिका भैया? 781 रुपया कुंतल। कहाँ से आते हैं आप? डबरपुर। ये कहाँ पड़ता है? तहसील के नीचे, टाउन हॉल तहसील के नीचे। अच्छा, तभी काली मिट्टी है जी। आपके उधर सब काली मिट्टी है, कल एक आलू भी देखा था मैंने एकदम, मतलब काली मिट्टी है हमारे। लेकिन लाल के लिए काली पीली मिट्टी का कोई फर्क नहीं है? काली मिट्टी मोटी मिट्टी में आलू बहुत बढ़िया होता है। नहीं नहीं नहीं, लाल के लिए काली मिट्टी पीली मिट्टी काउंट नहीं करती है, हम तो रोज ही। और ये आलू बिका है 781 रुपया कुंतल, हाईलैंड है ये, अच्छी क्वालिटी है, मोटा आलू है। हमारे साथ है आलू आरती अमर सिंह जी। आज मंडी क्या था भाई भैया? 661 रुपया खुला। हाँ। और 351 रुपया 100 रुपया भुंजा। अच्छा, ये आपकी दुकान बिके हैं आज? हाँ। अच्छा अच्छा, ये आलू क्या ऐसा बिके मोटे? आज आमदनी का तो कुछ अंदाजा लग रहा है क्या कि कितनी आमदनी होगी? कुछ अंदाजा लग नहीं रहा है, मुश्किल से 50-60 मोटर होगी। 50-60 मोटर। हाँ, क्योंकि कोहरा है बहुत, आप वैसे आप देखो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घूम घूम के जो ऐसा ही लग रहा है 50-60 मोटर के आसपास ही आमदनी होगी। आमदनी चक्कर जो है सर कि मौसम भी आगे मंडियां कोई कम नहीं है। हाँ, खुदाई भी कम हो गई। खुदाई क्या मतलब, जो पैसे मिल रहे हैं किसान इतने में मतलब संतुष्ट है नहीं, कि उतनी लागत नहीं निकल रही। हमने लोगों से पूछा तो लोग बता रहे कि इतने पैसे में लागत सीधी नहीं हो रही है, तो लोग रुक गए खोदने के लिए।
ये आलू क्या था बिके हैं? 661 रुपया क्विंटल। 661 रुपया क्विंटल बिके आलू, बहुत मोटा आलू है ये। ये दोनों एक ही है ना? एक है। ये एक ही है, दोनों काफी मोटे आलू है। किसान कौन है भैया इसका? आपका है? कौन सा आलू है ये? ख्याति है। ख्याति है? ख्याति लंबा लंबा हो गया, बहुत मोटा आलू है। दो साइज होते हैं ख्याति। हाँ, एक गोल होता है, पीले काट का, सफेद काट का, सफेद काट का है। अच्छा, सफेद काट वाला जो ख्याति है वो लंबा होता है। अच्छा, ये मतलब देखने से ऐसा लग रहा है पुखराज। कितने दिन का हो गया? बहुत मोटा आलू है। 3 महीने में 2 दिन कम ही है। 3 महीने का हो गया? हाँ, 2 दिन कम है। अच्छा, हमारे निहाल भाई मिला है। घूरा उरा पड़ा होगा खेत में खूब मेरी गल से। हाँ, तभी तो मतलब इतने मोटे आलू जो है, इतने मोटे, देखो मेरे ख्याल से एक आलू जो है कम से कम आधे के मतलब ये आलू, ये देखो ये आलू, आप ये देखो आलू, मेरे ख्याल से ये आलू मेरे के 750 ग्राम से कम नहीं होंगे। ये देखो ये आलू है, 3 किलो हो गए। 3 किलो हो गए? हाँ हाँ, मतलब 4 आलू और 5 आलू मिला के 3 किलो, काफी मोटा आलू है। और जबकि लग रहा है देखने में जैसा कि लंबा लंबा जो साइज लग रहा है वो पुखराज जैसा लग रहा है, लेकिन ख्याति बता रहा है। ये हाईलैंड है, देखो निबल क्वालिटी का हाईलैंड है एकदम। साइज बड़ा छोटा है, 621 रुपया बिका ना, 621 रुपया क्विंटल। कौन किसान कौन है? इधर आना भैया, दादा आपका है ये लाल वाला, क्या रेट बिका भैया? 631 रुपया क्विंटल। हाईलैंड है ना जी। ये देखो ये मिट्टी पकड़े हुए काली मिट्टी टाइप के आलू हैं ये, 635 रुपया क्विंटल बिके हैं। ये क्वालिटी देख सकते हैं आप, मिट्टी भी पकड़े हुए और काली मिट्टी की जैसा आलू है, 635 रुपया क्विंटल बिका है ये। लौट दे, कंचन आया, कंचन पूरा लाकर है। अच्छा, आज लाल की बरेली, अरे पूरा संतोष जी ना, संतोष दुबे दुबे, देखो मैं नाम याद हो गया, हमारे साथ आलू आरती संतोष दुबे। आज मंडी क्या साहब बिकी है भैया? आलू बिक गए मेरे ख्याल से। आज क्या था बिके आज? लाल बिच्छू है जो 421 रुपया पैकेट। अच्छा, लाल और सफेद क्या बिके आज? 341। सफेद 341 रुपया, ऊपर नीचे रही होगी कुछ ऊपर। अच्छा, आपने अपनी दुकान में 341 रुपया बेचे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। आमदनी का तो कुछ पता चल नहीं रहा है अभी, आमदनी कितनी है कुछ 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 दिखाई दे नहीं रहा है। 50 ये आलू बिका है 421 रुपया पैकेट बिका है, लाकर है ये। और अभी इससे पहले हमें हाईलैंड मिल गया तो हाईलैंड भी दिखाया, क्यों लाल ज्यादा लोग भाव पूछते हैं तो आज लाल मिल गया। और आज लाल की डिमांड मुझे कुछ थोड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि लाल जो है, लाल आलू आज सब बिक गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले तक लाल जो है सबसे बात तक पड़े रहे, लाल किसी ने लिए निकला इसलिए लाल की बिक्री बढ़ गई है ना। डिमांड नहीं वो निकली है ना, हाँ डिमांड बिहार की निकली इसलिए लाल की कीमत बढ़ गई है ना। बिहार में तो लाल आलू सस्ता ही है। नहीं सस्ता नहीं, वहाँ जा रहा है ना, लेकिन इतने लोटर बिहार के सब ले रहे लाल आलू। अच्छा, हो सकता है कोई डिमांड निकल आई होगी, बिहार में तो डिमांड नहीं, कहीं दूसरी जगह डिमांड होगी। नेपाल हालैंड खाली जा रहा हूँ, सफेद आलू क्या बम्बई सफेद क्या था बिके आज? जैसा आलू तैसा भाव, 300 से 400 रुपए कट्टे तक का बिका है। 300 से 400 रुपए कट्टे तक का बिका है। अच्छा, ये पीछे वाले इनमें कौन से बिक गए सफेद वाले? ये बिके हैं क्या? ये एक भी नहीं बिके। संतोष जी, इसमें कोई बिके है क्या? सफेद में कोई बिका है संतोष जी? अच्छा, हुंडा वाला बिका है, हुंडा वाला बिका है। आलू तो अच्छा है ये भैया, 341 रुपया पैकेट बिका है ये। किसान कौन है इसका? ये है महबूब। आपका है भैया? हाँ हमारा है। कौन सा आलू है ये? ख्याति। ख्याति है? क्या रेट बिका? 341 रुपए। 341 रुपया पैकेट बिका है। हमारे साथ है आलू आरती मोनू चौहान। आज मंडी क्या था बिकी भैया? आज आलू भैया खुला 600 से 650 रुपया क्विंटल। मीडियम वाले बढ़िया वाले? बढ़िया आलू 650, मीडियम 600 रुपया तक। अच्छा,
आमदनी का तो कुछ पता चल नहीं रहा है भैया कि आज आमदनी कितनी है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कल से फिलहाल कुछ कम है, कल से कम है। हम भी घूम के आए तो ऐसा लग रहा है, घूमने तो कुछ पता चला कि गाड़ियां कम है, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा है। आपने अपनी दुकान में क्या क्या रेट बेचे है भैया? यही बेचे भाई साहब, ये 615 रुपया बेचो, लाल 655 रुपया बेचो। अच्छा, लाल 655 रुपया बिका। ये लाल कौन सा वाला आलू है? कंचन वाला, कंचन है ये। देखो लाल भैया, कंचन कुफरी है, मीडियम क्वालिटी है, मोटा नहीं है। 655 रुपया कुंतल में ना, 655 रुपया कुंतल बिका है ये। और लाल का किसान कौन है? ये चाचा हमारे। आपको आया दादा? क्या रेट बिका है? 655 रुपया, 655 रुपया कुंतल। कौन सा है? कंचन, कंचन कुफरी। सफेद वाला आलू ये क्या रेट बिका? ये 615 रुपये बिका। ये देखो बिका है 615 रुपये। आलू मोटा है हालांकि, लेकिन काली मिट्टी का आलू है, और 615 रुपया कुंतल बिका है खुले में। कौन किसान कौन है इसका? आओ भैया, क्या नाम है अपना? यशवीर। कहाँ से आते हैं भैया? कनऊ पट्टिया। कनऊ पट्टी, ये भी उधर ही मामदाबाद साइड में, ये सिरोली की तरफ ही पड़ता है ना, ये इसी तरफ ही गांव है। अच्छा, क्या रेट बिका है आपका आलू? 615। कौन सा है? ख्याति पुखराज है। ख्याति, ख्याति है ये। देखो ख्याति है, 615 रुपया पैकेट बिका है ये। कुंतल है क्या? सॉरी हाँ, 615 रुपया कुंतल बिका है। वो पैकेट बोलने की आदत पड़ गई ना, अभी खुला हो दोनों। ये आलू बिका है क्या? ये देखो, इसमें लाल और सफेद दोनों ही मिक्स है आलू भैया। ये बिका नहीं अभी। किसान कौन है? किसान जय भैया। आओ आओ, चलो। ये आपका लाल और सफेद दोनों तरीके का एक साथ आलू, ऐसा कैसे है? ये का मोल लिया था तो ये मिक्स था, ऐसे गाड़ दिया। नहीं तो मोल लिया तो उसमें लाल तो दिख रहा होगा ना तुमको? दिख रहा था तो ऐसे गड़वा दिया, उस टाइम महंगा मिल रहा था तो गाड़ दिया एक मिक्स करके। अरे तो लाल तो छाट सकते थे अलग अलग। अब कोई छाटने, कौन छाटता हमको गाड़ हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे बिक्री में दिक्कत होगी ना? दिक्कत होगी तो बिक जाएगा चीज। बिक तो जाएगा ही, बिक तो सब जाता, फरुखाबाद मंडी बचता कुछ भी नहीं है। यही मंडी की खास बात है यहाँ पे, मतलब बचता कुछ नहीं है, लेकिन बिक जाएगा, लेकिन फिर वैसे ही बिकेगा ये। लाल सफेद। राजीव जी, तुमने क्या रेट बेचे हैं आज? हमने बेचे 300 से लेके 350 रुपया पैकेट। जरा आलू देखें तुम्हारे कम गए भैया। आलू सब पैक हुई है, सब पैक हो गए। ये खुला वाला ये क्या रेट बिका? ये 621। ये देखो ये बिका है 621 रुपया कुंतल ना, 621 रुपया कुंतल। आलू तो मोटा ही है लेकिन बड़ा साफ सुथरा नहीं है भाई, बहुत मिट्टी पकड़े हुए थोड़ा सा। किसान कौन है इसका? कौन है? आ जरा इधर। आपका है? यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। आपका है? क्या रेट बिका ये? 621 रुपया कुंतल। कौन सा आलू है? पुखराज है। देखो इसी के साथ में ये आलू है, ये काली मिट्टी का आलू है एकदम, और मट्टी भी पकड़े हुए है ये। 321 रुपया पैकेट बिका है ये।